कोई भी माता पिता यह नहीं चाहते कि उनका बच्चा कमजोर ही रहे, किंतु अनजाने में ही उनसे ऐसी भूलें हो जाती हैं जिन्हें वे समझ नहीं पाते हैं। हर बात को हम मजाक के रूप में ले जाते हैं, लेकिन मजाक भी ऐसी होती है कि व्यक्ति का कलेजा चीर देती है। इसीलिए कहा गया है कि सत्य बोलो, मीठा बोलो। कोई बच्चा काला है या कुरूप है, यदि हम उसे हमेशा कालू कहेंगे तो एक बार, दो बार वह उस बात को महसूस नहीं करेगा, किंतु उसके बाद उसे भी बुरा लगेगा। कोई व्यक्ति यदि पागल नहीं है और उसे बार बार पागल पागल कहा जाएगा तो वह अवश्य ही पागल हो जाएगा। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है। अतः प्रत्येक अभिभावक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनसे ऐसी गलती ना होवे जिससे बच्चे के दिल पर चोट पहुँचे। हर मनुष्य में यह अभिलाषा होती है कि समाज के लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखें। छोटा सा बच्चा भी यही चाहता है कि लोग उसके क्रियाकलापों की प्रशंसा करें, उसकी ओर आकर्षित हों। इस तरह की स्वाभाविक बातें हैं जो व्यक्ति के अंदर पाई जाती हैं। इस तरह से बालक का सामाजिक विकास क्रम चलता है। बच्चों को जब हम किसी चीज के लिए सजा देते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चा सजा का कारण समझ सके कि उसे किस कारण से सजा मिली है, अन्यथा उसमें आत्महीनता की भावना जागृत हो जाएगी। उसे गलती को समझाना चाहिए, गलती कहाँ हुई है, अब ऐसा ना करो, इस तरह बालक को समझा सकते हैं, किंतु ज़्यादा डांट से बच्चे बिगड़ जाते हैं, अतः उन्हें डांटने की जगह समझाना ही ठीक रहता है। अनुशासन रखना बच्चों पर जरूरी होता है। बालक में आत्म मनोबल जागृत करते रहना चाहिए, अन्यथा बालक आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसीलिए बालक को प्रोत्साहन मिलना जरूरी है। अभिभावक और संतानों के बीच भावनात्मक आदान प्रदान, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, पृष्ठ संख्या 5।